अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी फ्लावर ऑन फिश ब्रीडिंग के बारे में। तो फिश ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, जैसे टैंक साइज और कौन सा फीड देना है ब्रीडिंग के टाइम पे, और कौन सा मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने टैंक पर आते हैं। टैंक का साइज होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए 3 फीट, और विड्थ होनी चाहिए 1.5 फीट, और हाइट होनी चाहिए 1.5 फीट। ये तो हो गया एक टैंक का साइज। और अब टैंक के लिए ब्रीडिंग के लिए कैसा सेटअप है, तो आप बेल बॉटम भी रख सकते हो इसे टैंक को, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन बेल बॉटम ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके ब्रीडिंग के लिए। तो अब दिखाते हैं टैंक को। टैंक के जैसे मैंने अपना टैंक बना रखा है, इसमें मैंने ये टाइल डाल रखी है, इस पर फिश आसानी से एक ले कर सकती है। इसकी जगह आप 1 किलो मिट्टी का 1 किलो पेट आता है, जिसे भी आप रख सकते हैं, जिसपे भी फीमेल एक दे सकती है और मेल आसानी से फर्टिलाइज भी कर सकता है एग्स को। अब आते हैं दूसरी बात पर कि पेयरिंग के किस हिसाब से करनी चाहिए फ्लावर ऑन फिश की। तो पेयरिंग के लिए आपके 2 तरीके हैं इजीली। या तो आप छोटा साइज ले लो मेल और फीमेल, तो आसानी से वो पेयरिंग कर जाते हैं। जैसे मेरा ये है फ्लावर ऑन और ये फीमेल है, मैंने इन्हें छोटे साइज में लिया था, लगभग 3 इंची का साइज था इनका जब मैंने इन्हें बाई किया था, और एक साथ ही टैंक में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, तो आसानी से इनकी पेयरिंग हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप एडल्ट साइज में मेल लेते हो तो वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मेल को एक दूसरे टैंक में सेपरेट करना है और फीमेल को दूसरी साइड में सेपरेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने टैंक में बीच में एक सेपरेट पोर्शन लगा रखा है। तो जैसे इस साइड में आप अगर मेल को सेपरेट कर दो और इस साइड में फीमेल को सेपरेट कर दो, और कुछ टाइम दोनों को साथ रहने दो, और फिर जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो बॉन्डिंग होगी, और उसके बाद आप फीमेल को निकाल के मेल के टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और जब आसानी से ऐसे पेयरिंग हो जाए तो पेयरिंग तो इनकी आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग के टाइम पर इन्हें हमें फीड क्या देनी चाहिए। तो फीड में आप इन्हें मार्केट में ब्रीडिंग के लिए एक स्पेशल फीड आता है वो भी दे सकते हैं आप, और दूसरा है आप इन्हें लाइव फीडिंग भी दे सकते हैं। लाइव फीड में आप ब्लड वार्म वगैरह और ड्राई श्रिंप भी आते हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं, और होममेड फूड में भी आप इन्हें दे सकते हैं, जैसे चिकन वगैरह, बॉयल वगैरह चिकन, इसमें खासकर प्रोटीन होता है और ब्रीडिंग के टाइम पे प्रोटीन की जरूरत काफ़ी होती है, और पैलेट वगैरह भी दे सकते हैं नॉर्मली, और ये सब ब्रीडिंग के लिए सब चीज़ अच्छी है। आप ब्रीडिंग के लिए सब चीज़ दे सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गई ब्रीडिंग के फीड की बात। अब बात करते हैं कि ब्रीडिंग साइन क्या होते हैं जब मेल और फीमेल ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहला साइन तो फीमेल ही शो करती है, ये फीमेल का ये कलर आप देख रहे हो, मेरी फीमेल स्टेम ब्रीडिंग के लिए रेडी है, इसकी ब्लैक जब हो रही है, डार्क हो रहा है, ये इसका ब्रीडिंग के साइन है। और दूसरा साइन है इसका जो एग ट्यूब्स होती है ना, वो आउटसाइड में बाहर की तरफ दिखती है, जिससे आप देख के पहचान सकते हो कि फीमेल एग ले करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब एग ले कर दे आपकी फीमेल, तो फिर आपको क्या करना है कि उसे टैंक से बाहर निकाल देना है 3 से 4 घंटे बाद, और मेल को 6 से 7 घंटे बाद आपको टैंक से बाहर कर देना है, जिससे क्या होगा आपके अंडे अच्छी तरह से फर्टिलाइज हो जाएंगे और अंडों को का कोई खतरा भी नहीं रहेगा किसी टाइप का, जैसे फीमेल खा जाती है अंडे या मेल भी खा जाता है कभी कभार अंडे, ऐसा हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाएंगे आपको। तो इस तरह से आपको ब्रीडिंग करानी है, इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगी ब्रीडिंग। और मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, और इससे पहले भी ब्रीडिंग करा चुका हूँ मैं अपने टैंक में, तो आप भी इसी तरह से ब्रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।